हर साल लाखों भक्त माता के दर्शन के लिए वैष्णो देवी मंदिर जाते हैं, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इस समय भक्त माता के दर्शन नहीं कर पा रहे। लेकिन अब अनलॉक 5 में धार्मिक समारोह से लेकर कई तरह की गतिविधियों में छूट मिली है। इस बीच माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए भी अच्छी खबर है कि अब से ज्यादा भक्त माँ वैष्णो देवी के दर्शन कर सकेंगे। 15 अक्टूबर से माता के दर्शनों के लिए वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले तीर्थ यात्रियों की संख्या रोजाना 5,000 से बढ़ाकर 7,000 कर दी गई है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के CEO रमेश कुमार ने 17 अक्टूबर से शुरू होने वाले नवरात्र के लिए यात्रा प्रबंधों की समीक्षा करने के बाद ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि पहले ये सीमा प्रतिदिन 5,000 थी, जिसे 15 अक्टूबर से बढ़ाकर 7,000 किया जा रहा है। यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटरों पर लोगों की भीड़ से बचने के लिए तीर्थ यात्रियों का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किया जाएगा। नवरात्र के अवसर पर माता वैष्णो देवी को फूलों से सजाया गया है। शारदीय नवरात्रि को देखते हुए काफी सजावट की गई है। इसके अलावा भवन क्षेत्र में रंगीन रोशनी की जगमगाहट है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के CEO ने कहा कि नवरात्र के दौरान तीर्थ यात्रियों के बड़ी संख्या में आने के मद्देनजर कटरा और भवन के बीच 15 अक्टूबर से पिट्ठू और पालकी सेवाओं के संचालन की अनुमति दी गई है। हालांकि तीर्थ यात्रियों, बोर्ड के कर्मचारियों और सेवादाताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। COVID-19 को लेकर सरकार के सभी सुरक्षा उपायों और दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। यात्रा के संबंध में दूर दराज से आने वाले यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, इसका भी पूरे तरह से ध्यान रखा जाएगा। वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आ रहे भक्तों को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। हर श्रद्धालु को कटरा आने से पहले कोरोना टेस्ट कराना होगा और रिपोर्ट आने के 48 घंटे के अंदर ही कटरा पहुंचना होगा। ऑनलाइन दर्शन पर्ची माता वैष्णो देवी की वेबसाइट से बनवानी होगी। सड़क मार्ग से आने वाले श्रद्धालुओं को लखनपुर में रुकना होगा। यहाँ एक विशेष काउंटर दिखेगा जहाँ ऑनलाइन यात्रा पर्ची मिलेगी। कोरोना रिपोर्ट दिखाने पर ही पर्ची मिलेगी, जिसे कटरा में दाखिल होने पर मोरी नाके पर देखा जाएगा। इसके बाद भवन मार्ग पर दर्शन डोहरी में पर्ची देखी जाएगी। अधिकारी जानकारी रिकॉर्ड करने के बाद श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए जाने देगा। हवाई मार्ग से आने वाले श्रद्धालुओं को भी एयरपोर्ट पर कोरोना की जांच करानी होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही।